गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10:30। तो मैं आ गई हूँ टेरेस में, थोड़ा सा काम था, मतलब पौधे के लिए नहीं, ऐसे ही मुझे कुछ सुखाना था तो मैं आ गई थी। तो कैलेंडुला के फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहे थे, वो अभी जैसे ही धूप आती है ना बहुत अच्छे से खिलने लगते हैं, और जैसे जैसे उसका शाम होता है तो वो मुरझते हैं। तो मैं यहाँ सोचा कि क्यों ना आपको कैलेंडुला फ्लावर के बीजों के बारे में और फिर उसको लगाना और फिर उसके फूल आना यहाँ तक का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। अक्टूबर का महीना है और जैसे कि आपको आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी, वो पीछे मेरे घर के पीछे काम चल रहा है ना तो उसका आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो अक्टूबर के महीने से पहले एक वीक मैंने ना ये वाले बीज लगाए थे। जैसे ही ये पौधे के बीज लगाती हूँ और इस तरह से बीज आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, झट से दूसरी जगह भी उसको डाल देती हूँ। ये है कैलेंडुला के बीज और इसको ही आप आसानी से लगा सकते हो। अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अभी भी टाइम है आपको लगाने का। कैलेंडुला क्या है, दो कलर्स में आता है, एक पीला होता है और एक होता है ऑरेंज। तो जैसे ही लगाएंगे आप बहुत आसानी से आते हैं ये, और एक महीने का बाद आपको इतना उसका ग्रोथ दिखेगा। जैसे ही मैंने ऐसे बंच में ही डाला था इधर, तो ये ऐसे बंच में ही आ गए हैं, बहुत आसानी से आते हैं ये, तो ये आ गए हैं। इसको अभी डिवाइड करना बाकी है और कई कई मैंने डिवाइड कर दी है, यहाँ यहाँ डिवाइड कर दिए हैं उसको। जैसे जैसे मुझे पॉट मिलेंगे ना तो वैसे मैं उसको अलग कर दूँगी। तो इसका कुछ नहीं, इस तरह से अगर बीज मिल जाते हैं, देखिए इधर, ऐसे तो ये मतलब लगाने के लिए लायक है। ऐसे बीज इधर ही सूखना चाहिए, पौधों पर ही, सॉरी पेड़ों पर ही इसको सूखना चाहिए। जब जैसे कि ये सूख जाएगा ना तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए लगा रही हूँ। तो बस ऐसे मिट्टी को ऐसे कर दिया और फिर इसको ऐसे डाल दिया, फिर उसके ऊपर ऊपरी हिस्से में उसको डालना है, बहुत अंदर नहीं बीज डालने हैं। तो ऊपरी परत होती है ना, वहाँ उसके बीज डाल दिए तो वो एक महीने के बाद होता है ना इतना रिजल्ट आना शुरू होता है, और उसके बाद इसकी इसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ बनेगी और फिर आएंगे इतने सुंदर सुंदर फूल जो कि बहुत आसानी से दो कलर में आते हैं। और इसको मैंने क्या डाला है, किचन वेस्ट और जो पत्तों की खाद होती है, देखिए इधर ये सारी पत्तों की खाद है। मैं हमेशा पत्तों की खाद का ही यूज़ करती हूँ तो वही भरा पड़ा है इसमें, दूसरा बाकी तो कुछ लगता नहीं है, मैंने कभी डाला नहीं है। जैसे ही इसके फूल आने के बाद आप ज़्यादा के जो बीज होते हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यही आज का वीडियो का मेरा मकसद था। यहाँ देखिए, यहाँ और भी मैंने पौधे लगाए हैं उसके, यहाँ बीज डाल के रखे हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते हुए दिन बिताइएगा। बाय बाय।